यहाँ पे आपने लिखा वी ग्रूम लर्न एंड ग्रो इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. सो जब हम एक से ज्यादा चीजों का जिक्र करते हैं, जैसे आपने लिखा कि वी ग्रूम लर्न एंड ग्रो, सो यानी तीन एक्शंस का एक साथ ही जिक्र आ रहा है. सो जो पहले दो हैं उनके दरमियान हम कॉमा जो है वो प्लेस करेंगे. वी ग्रूम कॉमा लर्न एंड ग्रो इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. अब जब हम डिफरेंट वर्ड लिखते हैं, डिफरेंट, सो इसके बाद हम जो है प्लूरल जो है वो नाउन का जिक्र करते हैं. जैसे यू कैन से डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट ड्रेसेस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट. और उसके बाद सम डिसीजन वी हैव टू टेक, कुछ फैसले हमें लेना पड़ते हैं. सम भी जो है इसके बाद हम जो है सिंगुलर नाउन में यूज करते हैं, हम कहते हैं सम डिसीजंस, राइट. ओके. और abruptly, इसके स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है. abruptly, it's not b, it's p, second जो भी आपने लिखा है, ठीक है. ओके. और ये नेक्स्ट एक के I our early age, in our early age, मैं जल्दी में लिख रहा था. ओके, in our early age. उसके बाद I always worried what I have to, यानी आप अपनी पास्ट हैबिट बता रही है ना कि मैं अपनी अर्ली एज में आई ऑलवेज वरीड, मैं हमेशा परेशान रहती थी. व्हाट आई हैव टू डू, जो मुझे करना होता था, यानी मुझे क्या करना है. व्हाट आई हैड टू डू, ओके, बिकॉज़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर पास्ट, सो यू हैव टू यूज पास्ट टेंस, हैड नॉट हैव. नेक्स्ट देखिए, देयर वर थ्री ऑप्शन फॉर मी, मेरे पास तीन ऑप्शन थे, राइट. Yes. जब हम साथ जो ब्रीन पुट कर देते हैं, टू थ्री वन जब हम लिखते हैं तो यू कैन से वन ऑप्शन ओनली, ऑप्शन वन, सिंगल ऑप्शन. सो टू थ्री फोर यू कैन से टू ऑप्शंस, थ्री ऑप्शंस और फोर ऑप्शंस. और दे ऑल नेक्स्ट इज यहां पे, यहां पे हम एस ऐड करेंगे ऑप्शंस, यस. और या थ्री के और ऑप्शन के दरमियान हाइफन तो नहीं लगाना. नो नो, हाइफन नहीं लगाएंगे. ऐसे आप कहते हैं ना फोर बुक्स, चार किताबें, पांच किताबें, राइट. पांच किताब नहीं कहते, चार किताब नहीं कहते. सो थ्री ऑप्शंस. उसके बाद देखिए, दे ऑल शेयर देयर एक्सपीरियंस विद मी, उन सब ने अपना अपना तजुर्बा मुझसे शेयर किया. सो एक्सपीरियंस्ड एक एडजेक्टिव है जो पर्सन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है. मसलन आप कह सकती हैं एक्सपीरियंस्ड मैन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, experienced okay. teacher, experienced chemist. So यहाँ पे आएगा they all shared their experience. Noun अगर use करना है तो वो experience होगा, उन्होंने अपना अपना experience मुझसे share किया. Okay, so, next ये है perform हज. नहीं लगाएंगे? No, ed नहीं लगेगा. ठीक है. Okay. या आप यहाँ बात यूं कर सकती हैं, दे ऑल वर एक्सपीरियंस्ड पर्संस, सो दे शेयर देयर एक्सपीरियंस विद मी, राइट. ओके, ये नेक्स्ट आपने क्या लिखा है, टू परफॉर्म हज इन वेरी कंफर्टेबल, जी, कंफर्टेबल एंड इन ईज, एंड इन ईज. ओके, कंफर्टेबल जो है ये एक एडजेक्टिव है, इसके बाद आपको कोई नाउन जो है वो पुट करना पड़ता है. कंफर्टेबल यू कैन से कंफर्टेबल सिचुएशन, इन अ कंफर्टेबल, यस, एनवायरनमेंट, इन अ कंफर्टेबल टीम, कंफर्टेबल रूम. सो अकेला कंफर्टेबल नहीं आप यूज करेंगे, आप कहेंगे कंफर्ट इन कंफर्ट एंड ईज, कंफर्ट